So what's up guys, it's Paul Gamer already and welcome back to another video. है थोड़े खास लिया है तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने माइनक्राफ्ट के FPS इस तरह कैसे कर सकते हैं। ये है ऑप्टिफाइन वाला और ये है सोडियम। एंड भाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई FPS बूस्ट कर यार पकड़ एक सेकेंड ले। तो गाइस मैं खेलता हूँ सोडियम से, पहले मैं भी ऑप्टिफाइन से खेलता था, मेरे FPS आते थे 2-3 सिंगल प्लेयर में। ये देखो सिंगल प्लेयर है, ये देखो मुझे कहते हुए रुक गया, ये देखो सिंगल प्लेयर है, 7-8 टाइटल है। तो गाइस अगर आप सर्वर में खेलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा FPS आएंगे, लेकिन आप ऑप्टिफाइन से खेलोगे तो आपको ना थोड़े स्टेबल FPS नहीं मिलेंगे, स्टेबल FPS मिलेंगे भाई सोडियम पे। तो गाइस आज मैं आपको ऐसे कुछ मोड बताने वाला हूँ जिससे आप अपने FPS को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो, 2-3 FPS से 100, 200, 300 तक अपने FPS को बूस्ट कर सकते हो। एक बार ये देखो भाई, ये मैंने जूम किया और मेरे FPS देखो भाई, एक सेकंड के लिए 150 आ रहा है भाई, 150। इसमें कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग अगर मैं ऑफ कर दूँ तो मेरे आसमान में देख के 400 तक FPS चले जाते हैं। तो लेट्स गो गाइस, मैं बताता हूँ आपको मेरे कुछ। अब ये देखो गाइस, आपको ये सब मोड्स डालने हैं, मैं बता दूंगा आपको कैसे डालने हैं। ये देखो 3D स्किन लेयर, एप्पल स्किन, ये तो ऐसे लगा रखे, जो मेन है मैं आपको वो बताऊंगा, ये भी मेन नहीं है अगर आपको लगाना है तो। एप्पल स्किन, करंट चंक मैनेजमेंट इंजन, एंचेंट्ड बुक एंटिटीज, एंटिटी कलिंग फैब्रिक, ये तो फैदर क्लाइंट का होता ही है, फरिट कोर। अगर आप पे फैदर क्लाइंट नहीं है, अगर आप पे टी लॉन्चर वगैरह, तो मैं उसके लिए भी बताऊंगा आपको कैसे करना है। फरिट कोर, इमीडिएटली फास्ट, ईडियम, क्रिप्टॉन, लिथियम, ये तो होता ही है, मोड मेन्यू, मॉडर्न फिक्स, मोर कलिंग, नो चैट रिपोर्ट्स, नो हर्ट कैम, प्लेयर हेल्थ, ये ज़रूरी नहीं है। रिप्ले मोड अगर आपको लगाना है तो भाई सबसे मेन चीज़ है भाई सोडियम, ये आपको ज़रूर से लगाना है। और ये मैं जो बता रहा हूँ ये आएंगे फैब्रिक में, कभी आप दूसरा क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, पर आपको ये सब फैब्रिक में चलाना है, ठीक है। स्टार लाइट, थ्रेड ट्विक, और सबसे ज़रूरी वेरी मैनी प्लेयर्स। इससे क्या होता है कि आप किसी पब्लिक सर्वर में खेल रहे होगे तो उसमें जो पब्लिक का लैग है ना वो नहीं होगा। और ये जूमिफाई अगर आपको करना है तो थोड़ा मैंने ऐसे डाल दिया क्योंकि फैब्रिक पे मिलता नहीं है ना। गाइस सारे मोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। चलते हैं एक सेकंड डेस्कटॉप पे और मैं आपको बता दूँ कि इन सबको कैसे इंस्टॉल करना। ऑल राइट गाइस, यार हम लोग आ चुके हैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। भाई आपको अपना फैदर क्लाइंट, आप जो भी क्लाइंट यूज़ करते हो वहाँ पे आपको चले जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा मोड्स, मोड्स में ब्राउज मोड्स, एंड भाई यहाँ पे जो मैंने बताया वो सब सर्च कर लेना आपको, और उसको जो भी आप वर्जन यूज़ करते हो वहाँ से ऐड रिमूव, जैसे सोडियम मैंने ऐड कर दिया ऐसे, एंड भाई ये ऐसे आप लगा सकते हो, ऐड ऑन मोड्स, ये देखो ये खुल गया। आप इसमें अपने और भी मोड डाल सकते हो। टी लॉन्चर पे देखो आपको क्या करना है, आपको दबाना है विंडो प्लस, अभी मेरे पे टी लॉन्चर इंस्टॉल नहीं है क्योंकि मैं उससे खेलता नहीं। यहाँ पे आपको लिखना है परसेंटेज ऐप डाटा, परसेंटेज एंटर, यहाँ पे मिलेगा आपको एक डॉट माइनक्राफ्ट, यहाँ पे मिलेगा मोड्स, ये मैंने जो डाल रखे हैं वो हैं। तो आपको जो मैं डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आपको उन सबको यहाँ पे पेस्ट करना है अगर आप टी लॉन्चर से खेलते हो तो। एंड वो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप अपना गेम लॉन्च करो। और अब मैं बता दूँ आपको इन गेम की सेटिंग्स कुछ, जिससे आपके बहुत ज़्यादा FPS बूस्ट होंगे, क्योंकि बिना सेटिंग करे FPS बूस्ट नहीं होंगे सोडियम के। गाइस मिलता है गेम में। एंड भाई आपको दिखाने के लिए मैं एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूँ क्रिएटिव में। भाई हम आ चुके हैं मेरे सिंगल प्लेयर वर्ल्ड के अंदर।
सिंगल प्लेयर है देख लो गाइस। अभी आपको मिल रहे होंगे, मेरे को मिल रहा कुछ इतने FPS। एंड भाई मैं अभी कुछ आपको सेटिंग बताने वाला हूँ FPS बूस्ट की। तो भाई आपको तो मैंने एस्केप जाना ऑप्शन पे, फिल्टर सेटिंग पे, और आपको कुछ ऐसा कोई GUI आएगा। तो कोई मैक्स फ्रेम रेट है, इसको कर देना आपको हाई। ये वी सिंक को आपको कर देना ऑफ। ये सिमुलेशन चंक को कर देना 5। रेंडर डिस्टेंस को कर देना 8। इन इसको व्यू पॉपलिंग, और इसको कोई बुराई नहीं है ऑन रखने में भी, मैं तो ऑफ रखता हूँ। ऑटो सेव इंडिकेटर को कर देना आपको ऑफ। फुल स्क्रीन तो ऑन ही है। ये ब्राइटनेस, ये मैंने मोड डाल रखा है, आपके में नहीं दिखाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी क्लाउड्स को आपको कर देना ऑफ। ग्राफिक्स को फैंसी, इन दोनों को डिफॉल्ट, इन दोनों को ऑफ कर देना है। स्मूथ लाइटनिंग ये तो ऑन ही रहती है, और आपको ये इसको पूरा बंद कर देना है, मतलब जीरो पे कर देना है। परफॉर्मेंस पे हमें कुछ नहीं करना, एडवांस्ड पे हमें कुछ नहीं करना, मोर कलिंग पे भी हमें कुछ नहीं छेड़ना। एनिमेशन अगर आपके फिर भी कम FPS आ रहे हैं, आप इन सबको ऑफ कर सकते हो ऐसे। अभी मैं ऑन रख रहा हूँ क्योंकि मेरे आ जाते हैं भाई अच्छे। पार्टिकल्स इसमें भी कुछ नहीं करना। डिटेल्स में स्काई को ऑफ। वेदर बायोम कलर स्काई कलर्स इसको ऑफ। इसमें भी कुछ नहीं करना। एक्स्ट्रास में करना है कुछ नहीं करना है इसमें भी। 100 FPS ऑन कर देना आपको, इसके बाद कर देना आपको यहाँ से अप्लाई। और भाई ये देखो भाई मेरे FPS आ गए 60। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा PC भी अच्छा नहीं है। ये देखो भाई, ये देखो भाई गाइस, ये था कुछ FPS बूस्ट का तरीका। देखो भाई अभी मेरा गेम लैग नहीं हो रहा, अगर मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूंगा ना तो ये 200-300 FPS आराम से चले जाएंगे। ये देखो भाई अभी मैं आप लोगों को सर्वर में भी जाके दिखा देता हूँ। ये तो हो गया मेरा सिंगल प्लेयर, मैं सर्वर में जाके दिखा देता हूँ आपको। हाई पिक्सल में चलते हैं, हाई पिक्सल के पेट वोर के उसमें चलते हैं प्रैक्टिस में। ये देखो भाई यहाँ पे भी लैग नहीं हो रहा। ये देखो भाई लोग, ये देखो भाई FPS मस्त आ रहे हैं एकदम। यो भाई तो गाइस ये था FPS बूस्ट का तरीका। आई होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर भाई वीडियो में मज़ा आया तो लाइक कर देना, नहीं आया तो डिसलाइक मत करना, लाइक भी मत करना ठीक है भाई। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके फिर भी FPS कम आ रहे तो आप मेरे को DM कर सकते हो, डिस्कॉर्ड का लिंक आपको चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई चलते हैं, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में भाई। बाय गाइस।